नमस्कार, मैं तनु जांगिर और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 15 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी के 75 जिलों में चार चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल और चौथे चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होगी। दूसरे चरण में नामांकन 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक किया जा सकेगा। तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक और चौथे चरण के लिए 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन किया जाएगा। मतगणना 2 मई को होगी। पंचायत चुनाव से पहले आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, 12 जिलों के कप्तान भी बदले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले कई आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। ए सतीश गणेश को वाराणसी और असीम अरुण को कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि अब तक वाराणसी के एसएसपी रहे अमित पाठक गाजियाबाद के एसएसपी बनाए गए हैं। पीयूष मोरडिया लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त होंगे। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ नवीन अरोड़ा को आगरा रेंज और रमेश शर्मा को बरेली रेंज ट्रांसफर किया गया है। जे रविन्द्र गोड़ मिर्जापुर, दीपक कुमार अलीगढ़, जोगेंद्र कुमार झांसी, सलभ माथुर मुरादाबाद के डीआईजी बनाए गए हैं। आगरा अलीगढ़ समेत 12 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के देशव्यापी बंद का मिला जुला असर, कई जगह सड़कें जाम, कुछ ट्रेनें रद्द। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के देशव्यापी बंद का मिला जुला असर रहा। किसानों ने सुबह करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। किसान वहां पर ढोलक और घंटी बजाकर होली के गीत गाते नजर आए। किसानों ने दिल्ली से कौशाम्बी जाने वाली लेन गाजीपुर बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया और सिंघू बॉर्डर पर जाम लगाया। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। पंजाब और हरियाणा में किसान 31 स्थानों पर धरने पर बैठे। अंबाला और फिरोजपुर मंडल सहित कई स्थानों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई और शताब्दी सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। देश में फिर कोरोना विस्फोट, एक दिन में 59,000 से ज्यादा नए केस। देश में एक दिन में कोरोना के 59,069 नए केस सामने आए हैं, जबकि 257 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के ये नए केस बीते 17 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा हैं। उस समय 61,893 मरीज मिले थे। लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस 25,000 से ज्यादा बढ़े हैं। बीते 7 दिन में ही एक्टिव केस में 1,49,455 की बढ़ोतरी हुई है। देश में अब तक 1,18,46,082 लोग कोरोना महामारी की चपेट में आए हैं और 1,60,983 मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 35,952 नए मरीज मिले। राज्य में एक दिन में मिले मरीजों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहले से ज्यादा विकराल हो सकती है कोरोना की दूसरी लहर, अप्रैल में होंगे सबसे ज्यादा मरीज। देश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर पीक पर पहुंच रहे हैं और दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। बीते साल मई के बाद पहली बार इतनी तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि टीकाकरण शुरू होने के बावजूद कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली से ज्यादा विकराल हो सकती है। सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के नए मामले 66% बढ़ गए हैं। यह विगत 10 मई के बाद हर हफ्ते बढ़ते मामलों की दर में सबसे बड़ा उछाल है। देश के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात कोरोना की पहली लहर के सभी आंकड़े पार कर गए हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर अप्रैल महीने के आखिर में अपने चरम पर होगी और यह लहर 100 दिन चलेगी, जो 15 फरवरी से शुरू हो गई है। ढाका पहुंचे पीएम मोदी, शहर में लगे भारत बांग्लादेश की दोस्ती के बैनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा पर आज ढाका पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ढाका में विशेष तैयारियां की गई। पीएम मोदी मुजीब बोरशो यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब उर रहमान की जन्म शताब्दी, राजनयिक संबंधों के 50 साल और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच कई समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी पिछले साल बंगबंधु शेख मुजीब के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनकी यात्रा रद्द हो गई थी। पहली बार ढाका के बाहर कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान पहली बार ढाका के बाहर कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी कल ढाका से करीब 420 किलोमीटर दूर तुंगीपारा स्थित बंगबंधु श्राइन में शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी और चंडी भी जाएंगे और हरिचंद ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरिचंद ठाकुर मतुआ संप्रदाय के संस्थापक थे, जो बंगाल के सांस्कृतिक लोकाचार में बहुत महत्व रखता है। पीएम मोदी कल सतखीरा के प्रसिद्ध जसोरेश्वरी काली मंदिर भी जाएंगे और वहां स्थानीय लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ढाका में बापू बंगबंधु डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।